कि जीटी कंफर्टेबल तो नहीं है, रिस्ट पेन होने लगती है बहुत ज्यादा। और आपको सबसे ज्यादा मजा मालूम कब आएगा इसको चलाने में, बताओ गाइस कैसी लग रही है आवाज इसकी। खाओ तो अच्छी चीज खाओ, गुटका वुटका खा के क्या मिलना है, एक दिन में कितने का खा जाते हो गुटका। बाकी वो टायर वाली प्रॉब्लम क्या बोले, हमारे साथ तो कुछ भी नहीं है, गाड़ी इतनी धीरे चल रही है। सो चेक दिस आउट गाइस, ये हमारा हेलमेट है, देखो इसकी पैडिंग निकाल दिया हूँ, काफी समय हो गया जब से लिया ना तब से वॉश नहीं किया था, तो देखो पैडिंग निकल जाती है एग्जॉर के हेलमेट की, पूरी पैडिंग वगैरह सारी चीजें निकाल दी हूँ। जो मैं माइक यूज करता हूँ ना, ये देखो ये है साइड पैडिंग, और जो काफी सारे लोग पूछते हैं कि भाई माइक कौन सा यूज करते हो, तो ये देखो ये माइक यूज करता हूँ, तो ये सोनी का माइक है रेसर 4। सबसे पहले हम कराएंगे इसको वॉश, क्योंकि 700 किलोमीटर चलने के बाद इसकी क्या कंडीशन है, रुको मैं अभी आप लोगों को रुक के दिखाऊंगा। थोड़ी सी ना चेन रुकी रुकी सी चल रही है, सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट मुझे यही लगता है जब बरसात होती है ना तो ल्यूब उतर जाता है यार, बहुत जल्दी उतर जाता है, आप ल्यूब करो और गाड़ी को धो दो फिर देखो, तो काफी ज्यादा दिक्कत होती है, फिर बचाना पड़ता है बरसात। तो गाइस हम बात करने वाले थे इस बारे में कि जीटी लॉन्ग ट्रिप्स के लिए कैसी है, सिटी में राइड करने के लिए कैसी है, और क्या ये कंफर्टेबल है, दर्द होता है कितना दर्द होता है, क्या है क्या नहीं है। चलो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों से बात करता हूं। तो सबसे पहले मैं भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात ही बोलूंगा कि जीटी कंफर्टेबल तो नहीं है, मैं इसको कंफर्टेबल तो नहीं बोलूंगा क्योंकि इसका जो पोस्चर है वो एग्रेसिव है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो निंजा 300 चलाई है, निंजा 300 इससे ज्यादा कंफर्टेबल वाले। कई लोगों को ना गाड़ी जब खड़ी होती है या हम मैं चला रहा हूँ जैसे, कई लोग सामने से देखते तो उनको लगता है कि मैं जैसे बैठ के चलाता हूँ एकदम रेसिंग वाले पोस्चर में, तो बंदों को ऐसा लगता है कि मैं ऐसा बन के बैठा हूँ, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है भाई, इसका राइडिंग पोस्चर ऐसा है, जब बंदा इसमें बैठ जाता है ना तब उसको समझ में आता है कि इसमें लीन होना पड़ता है बैठते वक्त। तो पेन तो ये बहुत देती है, यामाहा R3 हो गई, निंजा 300 हो गई, वो दोनों इससे ज्यादा कंफर्टेबल है, ये उतनी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। तो इसमें दर्द होता है भाई, रिस्ट पेन होने लगती है बहुत ज्यादा, और शोल्डर्स में पेन आता है, बैक में पेन आता है। पेन कब आता है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे कि अभी मैं देखो कैसी रोड्स में चला रहा हूँ, अभी नॉर्मली चल रहा हूँ तो धीरे धीरे पेन आना स्टार्ट हो जाता है गाइस, ऐसा नहीं है कि पेन अभी ऐसी रोड्स में नहीं होगा, मेरी वैसे हो गई है आदत और आपकी भी हो जाएगी आदत, लेकिन मैटर ये भी करता है कि आपका बॉडी वेट कितना है, अगर आप बहुत ज्यादा मोटे हो तो आपको थोड़ी सी और ज्यादा दिक्कत होगी। बाकी इसका टैंक देखो बहुत नॉर्मल सा है, आपके पेट में इसका टैंक नहीं टकराने वाला, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो दर्द है भाई वो बहुत ज्यादा होगा, दर्द चालू हो जाता है रिस्ट से, और सबसे ज्यादा मालूम कब आएगा, जब आप सिटी ट्रैफिक में हो ना तब आपको जो दर्द होने वाला है ना गाइस, हो सकता है अगर आपसे सहा ना जाए ना तो हो सकता है आप गाड़ी खड़ी कर दो साइड में और आप सोचो चलो थोड़ा रुक जाते हैं या आप चाय पीने लग जाओ, ऐसा भी हो सकता है। और आपको सबसे ज्यादा मजा मालूम कब आएगा इसको चलाने में, जब आप हाईवे में होगे, जब कोई ट्रैफिक नहीं होगा, कोई ब्रेकर नहीं होगा, तब आपको भाई असली मजा जीटी का आपको तभी आना है चलाने में। बाकी सिटी में तो ये आपको रुला देगी, ये तो मैं आपको कह रहा हूँ, मैं खुद ही रोज अभी भी मैं सिटी ट्रैफिक में जाऊंगा मेरे को गुस्सा आने लग जाता है, इतना ज्यादा दर्द देती बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं, बहुत अनकंफर्टेबल है, इसका इंजन बहुत खतरनाक हीट जनरेट करता है, वो तो चलो एक अलग चीज है, वो हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, बस सिंपल स्टेप्स में बता दिया, ज्यादा लंबी चौड़ी बातचीत नहीं करना है इस बारे में, सिंपल सा है। अगर आप इसको हाईवे में चलाते हो ना जहाँ पे ज्यादा ब्रेकर्स नहीं है, ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, तो आपको इसको चलाने में मजा आएगा और आप इजिली इसको 100 किलोमीटर चला लोगे, बिना रुके आराम से चला लोगे, चलाने वाले 150 भी चला सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा दर्द होने भी लग जाएगा तो 200 भी खींच ही दोगे, लेकिन ट्रैफिक में आप इसको 5 किलोमीटर चला लोगे ना तो आपकी हालत टाइट हो जाएगी। जब मैं गया था ना 700 किलोमीटर ट्रिप जो मैंने की जबलपुर टू बलिया, तो आप लोग वीडियोस देख लेना, चैनल में पड़ी हैं वीडियोस, अभी एक हफ्ते पहले ही तो मैं गया, मैं सुबह निकल गया था घर से 4 बजे और मैंने लगातार मालूम 4 बजे निकलने के बाद मैंने रेगुलर चलाया था इसको 165-170 समथिंग, उसके बाद मैं रुका था, वो भी कैमरा माउंट करना था मुझे, हमारे घर से 1.5 किलोमीटर बाद ही हाईवे से कनेक्ट हो जाते हैं हम, फिर उसके बाद 200 किलोमीटर के बाद मैं रुका, बहुत मजा आया, गाड़ी जब 100-120 में चलती है ना कुछ ज्यादा ऐसा फील नहीं होता, मजा आता है चलाने में, इसका जो टॉर्क है ना वो सुपर रोल प्ले करता है भाई, गाड़ी का 100-120 हो जाती है पता ही नहीं चलता, इन नो टाइम ये गाड़ी 120-130 टच कर देती है, और हाईवे में चलने में इसमें बहुत मजा आता है। ओ वाओ मर्सिडीज यहाँ पे कैसे भाई, जबलपुर में मैं पहली बार देख रहा हूँ ये मर्सिडीज की वैन। बात ऐसी है गाइस, देखो ऐसा भी नहीं है कि स्टार्टिंग में जब आप जीटी लेते हो तो आपको दर्द होगा, थोड़े समय आप चला लोगे 2-4 महीने 6 महीने तो आपका वो दर्द चले जाएगा, ऐसा नहीं है, बस आपकी आदत हो जाएगी। जैसे कि देखो मैं अब घर से 5-6 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ, मेरे शोल्डर्स पेन हो रहे हैं, रिस्ट में पेन आ
आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं चला रहा हूँ और चलाता जाऊँगा क्योंकि मेरी आदत हो गई है। ऐसा नहीं है कि दर्द होना ही बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आदत ऐसी हो जाएगी आपकी कि आप उस दर्द को भी इग्नोर करने लग जाओगे। जब आप ध्यान दोगे तब आपको समझ में आएगा, अरे हाँ यार दर्द भी हो रहा है, शोल्डर में पेन हो रहा है। तो ऐसा कुछ सीन है। देखो आदत का कुछ ऐसा है, जब मैं बलिया गया था ना 650 किलोमीटर जीटी को चला के, तो जब मैं पहुंच गया रात को सोने लगा ना, तो मेरी गर्दन में जो दर्द हो रहा था ना, मैं आपको क्या ही बताऊं, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। फिर एक दिन लग गया उसको ठीक होने में, एक दिन मैंने पूरा रेस्ट किया, फिर मैं सही हो गया। ठीक है, जब मैं वापस आया ना और वापस फिर 700 चलाई, वापस आने में मुझे कोई दर्द ही नहीं हुआ, कोई गर्दन में पेन नहीं हुआ। तो ऐसे भाई पहली बार दूसरी बार चीजें होती है, उसके बाद फिर आपकी आदत खुद ही हो जाती है यार। आएंगे ना जब बुलाओगे तब, सब बढ़िया। तुम भी आ गए ब्लॉग में, मिलते हैं, बाय। गाइस ये अपने वीर की गड्डी है, अपना वीर अपनी गाड़ी चला रहा है। हाँ हाँ हो क्या, तुम लोग को बुलेट में ब्लॉग चाहिए था ना, ये लो भाई ये आ गई बुलेट। बताओ गाइस कैसी लग रही है आवाज़ इसकी। और अपनी बुलेट की भी आज सर्विस होने वाली है, उसका भी ब्लॉग मिल जाएगा। बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे बुलेट में ब्लॉग लाओ, तो तुम लोगों की डिमांड पे जीटी को कराते हैं गाइस अपन वॉश। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर गड्डी हो गई भाई वॉश। देख रहे हो स्क्रैचेस पड़ गए यहाँ पे, अब सिंगल सीटी लगी रहेगी यार, क्या कर सकते हैं, इतना तो अब थोड़ा बहुत तो हो गई। कोई बंदा पीछे बैठेगा स्क्रैचेस तो आएंगे ही। और लुब्रिकेंट रखा हूँ मैंने अपने बैग में, लुब्रिकेंट मारेंगे इसमें। मौसम अभी ठीक ठाक है लेकिन पानी का कोई भरोसा नहीं है, इसको खड़ी करूंगा भाई क्योंकि बहुत 3-4 बार ऐसा ही हुआ, धुलवाया हूँ और तुरंत पानी गिरा और कीचड़ वीचड़ मिट्टी विट्टी लग गई है। हाँ बाकी वो टायर वाली प्रॉब्लम क्या बोले, हमारे साथ तो कुछ भी नहीं है, वो गाड़ी इतनी धीरे चल रही है, टायर में आपको कोई परेशानी नहीं है। अरे यार भैया मुझे 100 के ऊपर जा रही है तो फील हो रहा है यार। इधर आओ एक चीज मैं आपको और दिखा रहा हूँ, ये देखो ये रबड़ भी सही से नहीं लगी यहाँ पे, प्रॉपर कर दो ना जैसे गाड़ी नई गाड़ी में रहता है एकदम वैसा सेट कर दो। गुटखा खा के आदत हो गई क्या अभी आपकी, कहाँ बंद करोगे यार अब, कितने साल से खा रहे हो, तो एक दिन में नहीं छूटेगा फिर। हे भगवान आपका गुटखा छूट ही जाए, अब बहुत बुरी लत है ये, क्यों खाओ तो अच्छी चीज खाओ, गुटखा वटका खा के क्या मिलना है। एक दिन में कितने का खा जाते हो गुटखा, बाकी टायर है भैया कुछ मत कराओ, कोई आवाज नहीं। चलो ठीक है, चलो ठीक है लूप कर दो। आपको बार बार क्यों बुलाते हो, और आए तो जल्दी घुमा दे, अरे बैग घुमा जल्दी जल्दी, तो फिर रहना जमीन में। दो क्लीनर मिले और एक लुब्रिकेंट, वो पैक ही रखा है अभी, 600 का है। चलो ठीक है भैया आप कह रहे हो, गाड़ी जब क्लच दबा देते ना तो अगर आवाज होती तो स्पीड में भी करेगा स्लो में भी करेगा वो आवाज, लग रहा है वो। कब जा रहे राइड पे आप, आ गया मैं, कितनी चला गया मालूम है, कोई दिक्कत नहीं राइड में, कोई दिक्कत नहीं हुई। ये देखो 1742 जब घर से निकला था जीरो किया था, 700 गया हूँ, 700 आया हूँ, वहाँ घूमा खूब हूँ। चलो गाइस लूप भी करा लिया है, देखो धूप निकली है, अब ये खड़ी होगी, इसके बाद निकालेंगे अपन बुलेट को, अब बुलेट की सर्विस कराएंगे आज। तो जो भी भाई लोग नए हैं चैनल को जल्दी से करो सब्सक्राइब, बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही थी बुलेट में व्लॉग लेके आओ, बुलेट में व्लॉग लेके आओ, तो चलो आज व्लॉग लेके आते हैं बुलेट में, एक नंबर का, उसी के साथ सर्विस भी कराएंगे आज। अब जीटी खड़ी हो जाएगी घर जाके, ये खड़ी है अपनी बुलेट, लगभग 6 महीने हो चुके हैं, देख रहे हो उसकी हालत कितनी बेकार है यार, 6 महीने से खड़ी है। तो अभी निकालेंगे इसको और इसकी कराएंगे सर्विस, बाकी सारी चीजें अगली वीडियो में कवर करूंगा गाइस। चलो अब इस वीडियो को करता हूँ यही पेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में, साइनिंग ऑफ, टेक केयर।